हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे जैनब कत्ल केस के हवाले से, जिसमें आखिरकार मासूम जैनब को इंसाफ मिल गया। कसूर की मासूम जैनब के साथ जिस तरह बर्बरियत के साथ ज्यादती की गई, उसे अगवा करके कत्ल कर दिया गया, आखिरकार इस मासूम बच्ची को आज इंसाफ मिल गया और पाकिस्तान की अदालती तारीख में शायद इस नौयत के, बल्कि शायद नहीं यकीनन इस नौयत के मुकदमे का कि बच्चों के अगवा और उनके साथ ज्यादती और उसके बाद उनके कत्ल, इस नौयत के मुकदमे का पहली बार इतना स्पीडी ट्रायल हुआ है जो कि बहुत खुश आइंद है। मुजरिम इमरान को 4 बार सजाए मौत का हुक्म दे दिया गया है और कई साल कैद है, कई लाख का जुर्माना भी है उस पर, लेकिन 8 बच्चियों के इस मुजरिम के लिए क्या सिर्फ 4 बार सजाए मौत का हुक्म काफी है? क्योंकि जितनी अजियत इसने उन बच्चियों को, उनके घर वालों को पहुंचाई है वो इससे कहीं ज्यादा है। वालिदैन जैनब के मुतमईन हैं लेकिन सरेआम फांसी का मुतालबा भी करते हैं। मुतालबा तो मर्दान की आसिमा और कोहाट की आसिमा रानी के लवाहिकीन भी कर रहे हैं इंसाफ का, और इंसाफ के मुंतजिर तो नकीब के अहले खाना भी हैं जिनके बच्चे के कत्ल को 1 महीने से ऊपर हो गया लेकिन उसका मुजरिम अभी तक राव अनवार पकड़ा नहीं जा रहा। उधर आसिफ अली सरदारी साहब ने कल एक अचानक बड़ी हैरान कन, बड़ी तशवीशनाक बात कर दी। एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि राव अनवार मासूम और बहादुर बच्चा है। ये अल्फाज कह के सरदारी साहब ने ना सिर्फ नकीब के लवाहिकीन बल्कि तमाम पख्तून कबाइल के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। शायद यही वजह थी कि पख्तून जिरगा, जिसने पहले कराची में उसके बाद इस्लामाबाद में धरना दिया, उनके तर्जुमान ने आज जरदारी साहब पर शदीद अफसोस का, जरदारी साहब के इन अल्फाज पर शदीद अफसोस का इजहार किया, एहतजाज भी किया और आइंदा के लाए अमल के बारे में भी कुछ बात की। क्या कहना था सैफुररहमान महसूद साहब का, जरा सुन। मेरा नाम सैफुररहमान महसूद है और मैं नकीब शहीद और ग्रैंड जर्गे की तरफ से फोकल पर मुझे ग्रैंड जर्गे के मुशरान में मुंतखब साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का एक चैनल को दिया गया इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने पुलिस की वर्दी में एक कातिल राव अनवार का दिफा किया है और उस दिफा पे काफ़ी सवालात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से उठ रहे हैं और उनके अपने चेयरमैन का भी जो नकीबुल्ला शहीद के हवाले से रोल था वो बहुत काबिले कदर पहले दिन से रहा है। तो हम समझते हैं कि कल उनका दिया गया जो इंटरव्यू है एक चैनल को, वो कुछ वजाहतें मांगता है, पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिश है और मैं ग्रैंड जर्गे की तरफ से उनसे ये मुतालबा भी करता हूँ कि वो इसकी वजाहत करेंगे और लोगों को, कौम को एतमाद में लेंगे वो कि इसकी इन्हीं मामलों पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, पंजाब के सदर हैं कमर जमान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। और मेरे साथ डॉक्टर रमेश कुमार भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रमेश कुमार। रमेश कुमार साहब वालेकुम सलाम गड़िया। और इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, कराची की अहम शख्सियत हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान इस्माइल साहब। जी वालेकुम सलाम। रमेश कुमार साहब सबसे पहला सवाल आपसे, कसूर की एक जैनब को तो इंसाफ मिल गया, अच्छा हुआ आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने, आपकी पार्टी की पंजाब गवर्नमेंट ने पकड़ भी दिया मुजरिम, लेकिन कसूर के सैकड़ों बच्चे अभी तक इंसाफ के मुंतजर हैं, उन्हें कब इंसाफ मिलेगा? शुक्रिया गरीब, मैं समझता हूँ ठीक है, अच्छी बात है कि पंजाब के अंदर ये काम हुआ और एक कल्प्रिट को पकड़ा गया, मगर ये सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम है। आज भी रोजाना 10-12 बच्चियां पाकिस्तान के अंदर नहीं, कौन सा सिस्टम में प्रॉब्लम है रमेश कुमार साहब? मैं समझता हूं कि हमें एथिक्स जो है उसकी बहुत ज्यादा कमी है। हकीकत में हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो एक मैन इस्लाम पे बेस करता है, मगर उसके बाद भी लोगों का जो थीम, लोगों की जो सोच समझ है उसको समझना पड़ेगा।
एजुकेशन देनी पड़ेगी, एथिक्स सिखाना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा, एजुकेशन के स्कूल बनाना पड़ेंगे, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हर इदारे की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली है तो उसकी भी अपनी है। एग्जैक्टली सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए रमेश कुमार साहब, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी रियासत की और हुकूमत की होती है, जो कि आपकी पार्टी की वफाकी हुकूमत है, आपके पार्टी की सूबाई हुकूमत है। गरीदा मैं समझता हूँ, पहले तो मैं ये प्रोविंशियल डिवीजन की मैं बात नहीं करूंगा कि पंजाब सिंध के पीके किसकी प्रॉब्लम है। मैं देखिए जैनब का प्रॉब्लम हुआ, कोई ये नहीं कहता कि पंजाब में प्रॉब्लम हुआ है, बरदान में प्रॉब्लम हुआ है, ये नहीं कहता। सारे लोग इंटरनेशनल यही कहते हैं कि पाकिस्तान की इस किस्म की वायलेशन हो रही है। अगर वहां पे कोई सी औरत के साथ होती है, कभी माइनॉरिटी के साथ होती है, कभी बच्चे के साथ होती है, तो इंटरनेशनली लिखा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर ये वायलेशन हुई है। और सबसे ज्यादा बच्चों के हवाले से रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने इसके ऊपर जंग और दीन में कॉलम भी लिखा कि पेरेंट्स की फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके बाद स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और पेरेंट्स अगर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स बिल्कुल स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट रेस्पॉन्सिबल है। मगर हमारी मुसीबत ये है कि प्रॉब्लम, डॉक्टर रमेश साहब मैं आपसे पोलाइटली डिसएग्री करूंगी, मेरी नजर में वालिदैन और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बराबर होती है। वालिदैन को भी ये तहफ्फुज़ का एहसास होना चाहिए कि अगर वो कहीं जा रहे हैं या वो घर में नहीं है तो उनके बच्चे महफूज हैं। अगर उनके बच्चे गली में बाहर खेलने गए हैं वो महफूज हैं, अगर उनके बच्चे पार्क में खेलने गए हैं, स्कूलों में पढ़ने गए हैं तो वो महफूज हैं। अगर वालिदैन की जिम्मेदारी है तो रियासत भी माँ की तरह होनी चाहिए, बाप की तरह होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि रियासत माँ और बाप की तरह होनी चाहिए, लीडर एक बाप की तरह होना चाहिए। स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि राइट्स के प्रोटेक्ट करें, आजादी से घूमने दें, उनको एजुकेशन दें, उनको हेल्थ फैसिलिटी दें। मगर सबसे ज्यादा फिर भी अगर आप देखें मुआशरे के अंदर, अगर अमेरिका जैसे माहौल में अगर बच्चा ऐसे अगर नजर भी आता है तो वो पेरेंट्स के ऊपर चार्ज कर देते ठीक हैं। बिल्कुल ठीक है रमेश साहब, मेरे सवालात करने का मकसद कोई पंजाब को हदफ तनकीद बनाना खास तौर पे, या सिंध को, या केपी को, या किसी और को, ये मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जहाँ जहाँ पर गलत हो रहा है, जैसे अगर कसूर में एक जैनब को इंसाफ मिल गया है तो बाकी सैकड़ों बच्चे कहाँ हैं। आपकी तरफ जो परेशानी हो रही है तो इमरान इस्माइल साहब की तरफ मैं चलूंगी। इमरान साहब, कसूर के सैकड़ों बच्चे इंसाफ के मुंतजर हैं, लेकिन मर्दान की आसिमा, कोहाट की आसिमा रानी दोनों इंसाफ के मुंतजर अभी तक। जी मर्दान का तो जो कल्प्रिट था वो पकड़ा गया है, वो अदालत में है, अदालत के ऊपर है कब उसको इंसाफ देती है। और हमारी कोशिश है कि हम पूरे, जैसे रमेश अभी बात कर रहा था, अच्छी बात इस थिंग की कि ये इसको हमें बायफिकेट हम बेशक जितना भी कर लेंगे, मर्दान की आसमा और कसूर की जैनब और कराची का नकीब, लेकिन दुनिया में यह परसेप्शन पाकिस्तान का ही बुरा जाता है कि पाकिस्तान में ये काम हो रहा है और उसकी प्रोजेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। हमारा इश्यूज़ ये है कि ये ऐसा नहीं कि ये काम दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, ये होते हैं दुनिया में, लेकिन हमारा फेलियर वहाँ आता है जहाँ हम कल्प्रिट को या रियल कल्प्रिट को पकड़ने में नाकाम होते हैं। जैसे कसूर में हुआ, अब ये बंदा मिला हमें, ये इमरान जो नाम है जिसका, ये इससे पहले हमने दो बंदों को फरकार या गोली मार दी कि जी ये थे असल कल्प्रिट्स पंजाब में। आपको पता है ना, दो आदमी कसूर की बात ना करें ना, मेरा सवाल आपसे मर्दान का है। मेरा सवाल वहां से है जहां आपकी पार्टी का है। मेरा सवाल मर्दान से है, कोहाट से। मैंने आपको बताया ना मर्दान का, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि वहां का तो वो पकड़ा गया कल्प्रिट, कोई अटलाज नहीं है वहां पे। जो मिशेल खान पकड़ा गया पंजाब की फॉरेंसिक लैब की मदद से, वरना केपी पुलिस कहती रही कि इस बच्ची के साथ मर्दान की आसिमा के साथ ज्यादती हुई नहीं। नहीं देखिए, एक नंबर वन तो ये समझ लें कि जो फॉरेंसिक लैब पंजाब में है वो फेडरल फंडेड है, तो फेडरल गवर्नमेंट ने अगर फॉरेंसिक लैब कहीं लगानी है और उन्होंने पंजाब में लगा दी तो वो पंजाब की प्रॉपर्टी नहीं हुई, अब नंबर वन। और नंबर टू, अगर पंजाब में भी है और अगर हमें जरूरत है एज केपी के, तो मैं कोई इंडिया का बॉर्डर तो क्रॉस करके नहीं हुआ फॉरेंसिक लैब में भिजवा रहा सैंपल्स। इसमें कोई न उन्होंने कोई हमारे ऊपर एहसान किया, ना हम किसी के एहसानमंद हैं। यहाँ पे मेहनत हो रही है, बंदा पकड़ते हैं, अगर फॉरेंसिक लैब की फैसिलिटीज यहाँ नहीं है तो जहाँ है मुल्क में वहीं भेजा जाएगा उसको। तो मेरा ख्याल है कि इसको इस ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें ना, कि एक तो ये कि सारे मुल्क में हर जगह होनी चाहिए फॉरेंसिक लैब्स, और अब केपी के गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है। मेरा ख्याल है उन्होंने फैसिलिटी तो बिल्ड कर ली है, वो इक्विपमेंट एक्विजिशन पर लगे हुए, उसको जैसे अक्वायर हो जाता है तो उसको फौरन तौर से ऑन कर देंगे सिस्टम को। नहीं, आपके पास वो किट्स थी, वो किट्स भी है ओवर ड्यू हो चुकी है, वो एक्सपायर हो चुकी है। कमर जमान कायरा साहब काफी देर से खामोशी से डिबेट सुन रहे हैं। सर सबसे पहले आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी,
कसूर के सैकड़ों बच्चे पंजाब हुकूमत के लिए बदनामी का बाइस हैं, गवर्नेंस पे सवालिया निशान हैं। मर्दान की आसिमा, कुहाट की आसिमा रानी जैसी कई बच्चियां केपी गवर्नमेंट के लिए बदनामी का बाइस हैं कि उनके मुजरिम अभी तक नहीं पकड़े जाते या उनको इंसाफ नहीं मिलता, ये वाला मामला। और सिंध गवर्नमेंट के लिए जहां आपकी पार्टी हुकूमत में है वहां पर नकीब, और फिर जरदारी साहब का कह देना कि राव अनवार मासूम बहादुर बच्चा है, मतलब ये कैसे जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दे दिया कायरा साहब? मैंने जरदारी साहब का स्टेटमेंट सुना नहीं है, आपने शायद चलाया भी, लेकिन कुछ जो है का प्रॉब्लम है, मैं नहीं सुन सका। एक बात पर रेस्ट श्योर कि कैसा शख्स जो पुलिस को वांटेड है, जिसको सुप्रीम कोर्ट तलब कर रही है, जरदारी साहब उसकी तारीफें नहीं कर सकते। हाँ, इंटरव्यू के अंदर सवाल क्या हुआ, मोस्ट लाइकली ये था कि राव अनवार को कराची के अंदर एक क्राइम फाइटर कहा जाता था, बड़ा अरसा वो कराची के बहुत सारे मुजरिमों के खिलाफ लड़ता रहा, माजी वही इमरान राव अनवार है, जब उसको सिंध गवर्नमेंट ने हटाया तो मुस्लिम लीग और पीटीआई के हमारे दोस्तों ने बल्कि अदालतों में जाके कहा कि उनको वापस वहां लगाए, क्योंकि उस वक्त उनकी शोहरत ऐसी थी कि वो क्राइम फाइट करते थे, वो जो टारगेट किलर्स थे उनके बारे में उनका उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। सो उस रेफरेंस पे शायद माजी के रेफरेंस में बात हुई हो तो और बात है, इस सूरत हाल में कोई बंदा भी उनको मासूम और बेगुनाह नहीं कह सकता। लेकिन राव अनवार का माजी जो था वो मैंने अर्ज किया कि सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, सिंध गवर्नमेंट नहीं, बाकी जमातें भी और आपका मीडिया भी राव अनवार को बहुत प्रोजेक्ट करता रहा, और कुछ अर्सा पहले ही जब सिंध गवर्नमेंट ने उनको डेहरी से हटाया तो उस वक्त खुद बाकायदा सियासी जमातों ने, मीडिया ने और अदालत ने इंटरवीन करके उनको वापस लगाया। सो उसकी बात तो यहां तक ही मैं कह सकूंगा क्योंकि मुझे इससे ज्यादा तफसील का पता नहीं। दूसरी गुजारिश है, जो बच्चियों का इशू कसूर में हुआ, बच्चों का हुआ या केपीके में हुआ, ये सिर्फ कसूर और केपीके में नहीं है, पंजाब और केपीके में नहीं है, बाकी सब जगहों पे भी है। सवाल सिंपल है कि ये सामाजिक बीमारी है, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि अगर मैं कहूं कि जी हमारे इदारे कैपेसिटी उनकी इतनी नहीं है, वो बहुत अच्छी तरह क्राइम फाइट नहीं कर पा रहे और हमारे माशरे में क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, तो क्योंकि पॉपुलर सेंटिमेंट इस मेरे नैरेटिव के साथ नहीं चलता, ठीक है, ये समझेंगे शायद मैं किसी हुकूमत की मजाक कर रहा हूँ, मैं पुलिस को या किसी की बेगुनाह या उनके ऊपर इल्जाम नहीं दे रहा हूँ। लेकिन हमें ये भी देखना है कि नंबर वन, इस तरह के जुर्म करने वाले लोग ज़हनी बीमार होते हैं, और जितने बड़े लेवल पे इनका नंबर है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी समाज की बीमारी है ये, पाकिस्तानी माशरे की बीमारी है, चंद अफराद की नहीं है। और इस बीमारी को दूर करने के लिए इस मुल्क से बड़ा लंबा इशू है, जब इंतहा पसंदी परवान चढ़ जाती है, जब फिरका वारियत परवान चढ़ जाती है, इनटॉलरेंस परवान चढ़ जाती है, बेरोजगारी इंतहा को पहुंच जाती है, तो ये जो एथिकल वैल्यूज की हम बात करते हैं ना, ये अल्टीमेट एथिकल वैल्यूज, इखलाक जो है ना वो पेट के साथ बंधा होता है। बड़े कम लोग होते हैं जो पेट से बढ़ के इखलाक की बात कर रहे होते हैं। हमारे इदारों ने मेहनत की, ये बात दुरुस्त है कि पंजाब के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने उस बच्ची को कातों को पकड़ लिया, उससे पहले 11 बच्चियों का कत्ल हुआ, उस वक्त हमारे इदारे आगे नहीं बढ़े, तो उस वो पल ही नहीं दिखाए। साहब मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, कायरा साहब इंटरप्ट करना पड़ेगा, उसके लिए माजरत, लेकिन आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करूंगी। आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर रहे हैं, और जहां तक राव अनवार को बहादुर बच्चा कहना जरदारी साहब की तरफ से, उसमें अपडेट ये भी है कि जरदारी साहब ने जो है अपने अल्फाज वापस ले लिए हैं, लेकिन बहरहाल बादस खराबी बसियात पख्तून कबाइल ने जो उनका हो रहा था, उन्होंने इस पर शदीद एहतजाज भी किया है, शायद जरदारी साहब को इस पर माजरत के दो अल्फाज भी बोल देने चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन इश्यूज के साथ साथ हम लोधरा के इलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे। फैसले जो है फैसले वो एम्पायर की उंगली नहीं, आवाम के अंगूठे करते हैं अंगूठे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब कुछ बात करेंगे लोधरा एनए 154 के इलेक्शन के हवाले से। आज जीत के पांचवें रोज शरीफ फैमिली
नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा, ये सब आज पहुंचे एनए 154 लोधरा के इलाके में। अहम बात यह थी कि चारों मौजूद थे वहां पर। नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब के बाद खिताब किया, मरियम नवाज के बाद खिताब नहीं किया। और आज अपने खिताब में उन्होंने मरियम नवाज को मुखातिब किया, लेकिन हमजा शहबाज को मुखातिब करने के बाद क्या इसकी वजह शहबाज शरीफ की मौजूदगी थी या नवाज शरीफ की कोई नई सियासी हिकमत अमली है इलाके को मद्देनजर रखते हुए और जनरल इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगता है कि लोधरा के इंतखाब से दिल हार बैठी है। जहांगीर तरीन साहब को, इमरान खान साहब को चाहिए था कि लोधरा में आके अपनी स्पेस दोबारा ऑक्यूपाई करते, लेकिन किसी ने भी लोधरा के इलाके का उस तरह से विजिट नहीं किया। सवाल यह भी पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी ने खासतौर पर लोधरा से क्या सबक सीखा है। उधर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को आज उमर अयूब खान साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि एक जनरल के पोते हैं, एक सियासी डायनेस्टी के नुमाइंदा हैं। उनके वालिद साहब भी सियासतदान थे। 2013 का इंतखाब धांधली के इल्जाम पर उन्हें डीसी होना पड़ा। तो ये किस किस्म की तब्दीली है, इस सेगमेंट में इसी हवाले से बात करेंगे। इमरान इस्माइल साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। लोधरा आप लोगों ने मैदान खाली छोड़ दिया है शरीफ बरादरान के लिए, आज वो पूरी तरह से वहां पर अपना मैदान जमा के अपना मेला लगा के बैठे हुए थे, पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था, ऑप्टिक्स थे, जबकि आप लोग कहीं पर भी लोधरा में नजर नहीं आ रहे। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है कुछ नजर नहीं आ रहा, और आपके जो इलेक्टेबल्स हैं वो उमर अयूब खान साहब की सूरत में सामने आ रहे हैं। जी फरीदा, लोधरा का इलेक्शन मेरे ख्याल है पीटीआई ने अंडरडॉग्स गया, उसको बड़ा ग्रांटेड लिया मेरा, और उसको जितनी मेहनत उसमें करनी चाहिए थी शायद नहीं की। और उसका एक सेटबैक और भी रहा जो एनालिसिस हमारा हुआ है कि जहांगीर तरीन साहब क्योंकि पार्टी मामलात में और पनामा केसेस में बहुत ज्यादा एक्टिव और उस तरफ रहे, वो लोधरा पे वो उस तरह से काम नहीं कर सके लोधरा में जैसे एक एमएनए से अनफॉर्चुनेटली एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो गटर भी वही ठीक कराएगा, रोड भी वही बनवाएगा और सारी चीजें, वो पानी भी वही लाएगा, तो वो शायद उस तरह से वहां पर नहीं कर सके, जिसका खिलाफ वो महसूस हुआ। और ये एक पीटीआई के लिए वेकअप कॉल थी जिसको हमने इसी तरीके से लिया कि एक सबक के तौर से हमने उसको लिया कि वी नीड टू वर्क हार्ड, हम खुला नहीं छोड़ सकते मैदान को। आप सही कह रही हैं, दिस वाज फॉर, लेकिन आप लोग खुला छोड़ दिया था लोधरा में, आप लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, आप लोग तो दिल हार के बैठ गए, वापस आए रिक्लेम करने। नहीं, बिल्कुल जाएंगे वहां, रीगेन करेंगे, फाइट बैक करेंगे, वहां से हमने 1 लाख वोट लिया है। मैं तो उसके अंदर सिल्वर लाइनिंग ये देख रहा हूँ कि हमने 1 लाख वोट वहां से उठाया है। उसके बाद हम वो यंग कैंडिडेट को अली तरीन को हमने वहां खड़ा किया था, 1 लाख वोट वो लेकर गया वहां से। पीटीआई का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है वहां से हमने कोई 2-2.5 हजार वोट तो नहीं लिए कि हम इतनी फिक्र करें, लेकिन हमें बहरहाल फिक्र की जरूरत है। लोगों की माजरत के साथ लोधरा से कोई सबक सीखा हुआ नजर नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि इमरान खान साहब ने उर्दू में ट्वीट करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, वो लोधरा की वजह से नहीं है, वो तो ऑलरेडी भी वो वर्किंग ऑन इट, हमारी सोशल मीडिया टीम काफी काम करती है इन चीजों के ऊपर। अच्छा, हमने लोधरा से बिल्कुल सबक लिया है। हमने 3 दिन से मुसलसल पार्टी सर जोड़ के बैठी है कि किस तरह हमने चीजों को आगे से करेक्ट करना है, या हमसे क्या गलतियां हुई थी जो आगे हमने नहीं करानी है, क्योंकि हमने तो बिल्कुल इससे बहुत सीरियस लिया हमने इसको। ऐसा नहीं है कि हम उसको बड़ा लाइट से लेके निकल गए और हमने लोधरा अब खुला छोड़ दिया, ये अपने सेलिब्रेशन करके निकल गए। वी विल गो बैक टू लोधरा, अपना सारा दोबारा से पूरा करेंगे। नॉट ओनली लोधरा, लेकिन असल तब्दीली जो है वो नून लीग में आ गई है। तब्दीली ये आई है कि नवाज, शहबाज, हमजा और मरियम सारे इकट्ठे लोधरा पहुंच गए। मरियम नवाज साहिबा ने खिताब नहीं किया, शहबाज शरीफ साहब के बाद नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया, और नवाज शरीफ साहब ने अपने खिताब में मरियम से पहले हमजा को मुखातिब किया। ये तब्दीली नून लीग में कैसे आ गई, इसका मकसद क्या है, शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी या नवाज शरीफ साहब की कोई नई सियासी हिकमत अमली है? डॉक्टर रमेश साहब, मैं पहले जो आसिफ साहब वाली स्टेटमेंट थी उसका जवाब देके फिर इसे आता हूँ। जी बिल्कुल, आसिफ साहब की जो आज स्टेटमेंट आई है उसने मासूम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है, उसने कहा है कि एक बहादुर थे, 54 SHO थे कराची में जो काम कर रहे थे, जिसमें से 53 जो है उनका मर्डर हो चुका है, एक ही जो है ये बहादुर है। उस चीज में हकीकत भी है कि उसने बहादुरी के से काम भी किया है, मगर इस वक्त जो उन्होंने बात की वो गलत बात की कि इसकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जब जो 3 ऑफिसर सोनारा बासी, सुल्तान ख्वाजा आजाद खान, ब्रिलियंट और ऑनेस्ट ऑफिसर की इंक्वायरी के बाद जब इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं, उस टाइम पे सिंध की पॉलिटिकल पार्टी, मतलब सिंध का हेड अगर
ऐसी स्टेटमेंट दे तो मैं समझता हूँ जिसकी वजह से आसिफ साहब ने समझा कि मेरी स्टेटमेंट गलत है, जिसकी वजह से जो आप कह रही हैं कि उन्होंने वापस ली है, मैं समझता हूँ ये अच्छा इकदाम है। और ऐसी अगर आदमी जल्दी में बात भी कर ले तो भी, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लीडरान को जो है सोच समझ के बात करनी चाहिए और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब आपने बात की मियां साहब की लोधरान के हवाले से, लोधरान देखें पहली चीज है कि लोधरान की जो जीत है उसकी तीन वजूहत है, एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत, दूसरा शहबाज शरीफ का डेवलपमेंट एक साल के अंदर, चाहे वो 20 मेट्रो बसेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे मोटर हो, मना हर चीज की कमिटमेंट करना, तीसरा इमरान खान की तरफ से इमेच्योर स्टेटमेंट, ये तीनों यही वजहत है। बाकी दो पर तो मैं आपसे एग्री कर सकती हूँ, पहले आपने कही कि नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत ये बड़ी वजह है, लेकिन इस मोहब्बत का यकीन तो आप लोगों को खुद नहीं था, आप लोग तो खुद जीत के पूरे यकीन नहीं थे, नवाज शरीफ साहब तो वहाँ गए ही नहीं जलसा करने के लिए, मोहब्बत का यकीन तो आपको गोधरा के खुद नहीं था। ये है कि ये एक गढ़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जहांगीर तरीन का घर था और तकरीबन कितनी जहांगीर तरीन की पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, कितने काम है वहाँ पे, बहुत डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मगर ये जो एक मिरेकल चेंज जो नजर आई है और ये चेंज अनएक्सपेक्टेबल जब चीज होती है, इसकी वजह से आज हमारी पूरी क्यादत वहां पे जो है तो जहां जाके उनका शुक्रिया अदा किया है। आपने बात की कि मियां सर लोधरा में, सर लोधरा में आपकी चालाकी से ज्यादा आपके दुश्मन की बेवकूफी ने मैटर किया है, सर मुझे जरा बढ़ने दें, कमर जमान पहली चीज ये कि मैंने ये कहा कि इमेच्योर स्टेटमेंट जो खान साहब की आई, और मैंने उसी वक्त भी कहा था किसी सीनियर बंदे को, नई मुल्क को मैंने कहा था, मैंने कहा अगर मेरे जैसा बंदा होता तो वो कहता कि खान साहब की ये स्टेटमेंट आनी चाहिए कि मेरे अल्फाज का चुनाव गलत था, मुझे ऐसी अल्फाज दीजिएगा। और दूसरी चीज नहीं, और आपने बात की कि शहबाज शरीफ हमेशा सीनियरिटी के हिसाब से नाम लिया जाता है, पहले नंबर पे लाजमी है भाई मियां साहब है, उसके बाद शहबाज शरीफ है, उसके बाद हमजा है, उसके बाद मरियम है, ये सीनियरिटी जब सामने बैठती है माशाल्लाह, और आगे भी नाम लेना भाई, इस बार जो नहीं भी हुए पैदा उनके भी नाम लो। चले के बाद पहले नहीं नहीं आगे आगे इमरान इस्माइल साहब, आगे जहांगीर तरीन साहब भी हैं, अली तरीन साहब भी हैं, आगे बड़े बड़े नाम हैं, आगे जनरल अली तरीन हमारी पार्टी का लीडर भी है, उमर अय्यूब है। नहीं नहीं आप देखेंगे अली तरीन हमारी पार्टी का लीडर नहीं है। सर मैं आपके पास आऊंगी, सर कायरा साहब बड़े खामोशी से सुन रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे होंगे डेफिनेटली वो, क्योंकि हम उन्हें देख नहीं सकते। सर पीपल्स पार्टी ने क्या सीखा है लोधरा से? पहली गुजारिश तो यह है कि लोधरा से भी मैं बात दोबारा करता हूँ, हम इसमें बहुत सारी बात कर चुके हैं, हमारे बहुत कम वोट आए कोई शक नहीं है, नासिर बेग साहब ने पीपल्स पार्टी छोड़ के दोबारा ज्वाइन की, हमारे दोस्तों का पार्टी कारकुनों का उनके लिए एक सक्सेस नहीं हुआ, और भी इसकी कई वजूहत है जो हम देखेंगे, लेकिन वजूहत को एक तरफ रखते हुए बिलाशुबा ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत सीरियस सेटबैक है, तो हम इसको एग्री करते हैं। उनकी वजूहत बहुत सारी हैं जो वोट मिला जो जीते हैं उनको, लेकिन मैं गरीबा आपसे गुजारिश करूंगा, इससे पहला ये जो है ना लोधरा वाला सवाल, इस पर तो बहुत बहस होगी और शायद हो भी आइंदा भी हो, लेकिन इससे पहले सेगमेंट में जो हम बहस कर रहे थे कि पाकिस्तानी मुआशरा एक बीमार मुआशरा है और इसको दुरुस्त करने के लिए हमें अपने हाथ से इंतहा पसंदी, बेरोजगारी, इस करप्शन के लानत और नौजवानों को ये जो हम मजहबी टॉलरेंस एक बर्दाश्त वाला मुआशरा क्रिएट करना पड़ेगा, और तब एक बड़ी लड़ाई के बाद हम इस मुआशरे की इन मुआशरती बुराइयों से निजात हासिल कर पाएंगे। ये सिर्फ करिकुलम ठीक करके, सिर्फ सरेआम फांसियां दे के, सिर्फ चंद लोगों को, ये तो ये कैफरे किरदार को पहुंचना चाहिए, और पंजाब हुकूमत ने अगर उनके पास फंड ज्यादा थे तो उन्होंने लैब बना ली, बहुत अच्छा किया, बाकी सूबों को भी अपने फंड के मुताबिक लैब बनानी चाहिए, बाकी सूबे भी अपनी पुलिस को अपग्रेड कर रहे हैं, यकीनन केपीके के अंदर भी ये जरूरत है, बाकी सूबों में भी है, उनको भी करनी चाहिए, लेकिन उससे बड़ी सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये मुजरम नहीं पकड़े जा रहे, या पाकिस्तान के सारे हिस्सों में ओवरऑल जो क्राइम करने वाले लोग हैं वो नहीं पकड़े जाते हैं, बहुत कम लोग एग्जीक्यूट हो सकते हैं, उनको सजाएं होती है अदालतों से, नंबर बड़ा छोड़ा है, दवाइयां नहीं आती, कैपेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन एक इशू है, वो ज्यादा सीरियस इशू है, लोधरा एक इशू है, उसको डिस्कस कीजिए, जरूर कीजिए, सियासी जमातों को मुस्लिम लीग ने वहां जश्न मनाना था और ये एक्सेप्शनल जश्न था, इसलिए कि उनकी अनएक्सपेक्टेड इतनी बड़ी जीत थी,
और उसका इजहार आज मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके बच्चे भी, सारी फैमिली इकट्ठी गई और उन्होंने एक मैसेज ये भी दिया कि जी हम इकट्ठे हैं, कितने हैं ये तो आने वाले दिनों में आपको और समझ आ जाएगी, लेकिन वो लोगों का शुक्रिया अदा करने गए और कितने स्टेट्स और रिसोर्सेज वहां पे इस्तेमाल हुए उनको करना चाहिए था शुक्रिया अदा। कायरा साहब, ये आपने इसे सबक सीखने की जरूरत है। आपने एंड पे बड़ी गहरी बात कर दी है कि शरीफ फैमिली ने दिखाया है कि वो इकट्ठे हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सऊदी अरब फौज भेजने के मामले पर डिस्कशन करेंगे। अरब में फौजी दस्ते भेज रहा है मजीद नए या नहीं भेज रहा, कब भेज रहा है, कितने भेज रहा है, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे भेज रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। एंड जनरल इलेक्शंस 2018 चंद ही महीने दूरी पे हैं और इंतखाबी तारीख में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा इकदाम होने जा रहा है कि पहली बार वाटर मार्क्ड बैलेट पेपर्स इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनकी वजह से जाली या दो नंबर बैलेट पेपर्स के इस्तेमाल का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म हो जाएगा और 2018 में इंतखाबी धांधली के खदशे को कम करने में इसमें बहुत मदद मिलेगी। इमरान इस्माइल साहब, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक बहुत बड़ा इंतखाबी धांधली, तो ये वाटर मार्क्ड बैलेट पेपर्स आप लोग वेलकम करते हैं और इसके बाद आप समझते हैं कि इंतखाबी धांधली में काफी हद तक कमी आ जाएगी? इस तरह के टॉल क्लेम्स तो इसी भी करती रही है, पहले भी आपको याद होगा इन्होंने एक इंक का क्लेम किया था कि जी ये मशीन रीडेबल होगा थंब इंप्रेशन और इससे जैसे जहां भी चैलेंज होगा तो हम फौरन बता देंगे कि वोट असली है या जाली है, और उसके बाद लाखों करोड़ों बल्कि मेरा ख्याल है कई अरब रुपए खर्च करके वो काम किया गया था और उसके बाद जब वो चैलेंज हुए नतीजे तो उसमें से कोई भी रीडेबल नहीं था। तो अब आई डोंट नो, ये वाटर मार्क कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी तो नहीं है, यू नो वी ऑल नो व्हाट वाटर मार्क है, सो एक आपका लोगो या कोई चीज के बीच में बनी होती है जो एक आम प्रिंटर भी प्रिंट कर देता है, तो मुझे नहीं समझ आया कोई कोई नई टेक्नोलॉजी आई है कोई उस वाटर मार्क वो कहीं और बन नहीं सकता, छप नहीं सकता, तो अलहदा बात है, लेकिन एक ऑर्डिनरी पेपर से फिर भी बहरहाल एक बेहतरी की तरफ गए, तो हर बेहतरी चीज को अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। आई होप कि इसको इम्प्लीमेंट तरीके से कर जाए, लास्ट टाइम की तरह कोई डिजास्टर ना हो कि आखिरी वक्त में वाटर मार्क नहीं था तो उर्दू बाजार में पेपर छप रहे थे, ऐसा ना हो। ठीक ठीक है, और ये चूंकि हमारा मेन फोकस है आज इस सेगमेंट के लिए, पाकिस्तान फौजी दस्ते सऊदी अरब भेज रहा है कि नहीं भेज रहा, वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा है कि वो पीर को पार्लियामेंट को इस बारे में ब्रीफिंग करेंगे, पार्लियामेंटेरियंस के शदीद तहफ़ुज़ात हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, क्या आपकी हुकूमत पार्लियामेंट को मुतमईन कर सकेगी और इतने अहम, संगीन, पेचीदा, संजीदा मामले पे पार्लियामान से बाला बाला फैसले कैसे कर लिए जाते हैं, पार्लियामान को आप लोग पहले एतमाद में क्यों नहीं लेते? लेकिन वरीदा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान खत्ते में कहाँ पे चाहिए जी। उसमें तो कोई शक नहीं है कि हमें सऊदी की जो कैंप है सऊदी के साथ हमारे तलखात बेहतर होने चाहिए, और उसमें अगर हम फौज भेजते हैं तो पार्लियामेंट को जो है वो उसमें एतबार भी लिया एतबार में लिया जा सकता है। मगर जब यमन का जब मसला हुआ, हम जैसे काफी लोग थे जमन उन्होंने बात की कि हमें इस वक्त सऊदी को जो है इस तरीके से, और नहीं तो भी कम से कम सऊदी को ये कहा जाए कि मक्के मदीने की हिफाजत के लिए हमारी फौज हम देते हैं और वो वहां पे खड़ी रहेगी आपके बाउंड्री की हिफाजत करने के लिए। मगर जो हमारी स्पीचेज हुई वो मैं समझता हूँ जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट दी थी कि, और वो टर्निंग पॉइंट हमारे पॉजिटिव नहीं गई, हमारे लिए नेगेटिव गई। आज जो भी मंडे ट्यूजडे के दिन हमारी मीटिंग बुलाई गई है, मंडे के दिन सुबह 11 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और हम उसमें जा रहे हैं, अपना मौका जरूर रखेंगे क्योंकि मेरी पूरी दुनिया की हिस्ट्री के ऊपर और इन चीजों के ऊपर नजर होती है, हमेशा इन इश्यूज के ऊपर अपने व्यू जरूर देता हूँ। तो हमें टेक्निकली डील करना चाहिए एग्रेसिवली, हम जब भी आते हैं सारे यहाँ पे मौजूद वतन पाकिस्तानी है, मगर कोई ज्यादा ही अपनी मौजूद दिखा के और ऐसी स्टेटमेंट देता है असेंबली के अंदर जो हमेशा मुल्क के लिए, अपनी सियासत के लिए तो हो सकता है उनके लिए फायदेमंद हो कि हमने ऐसी बात की, हम खुद मुख्तियार हैं, हम ये हैं, मगर हमें अपने ये जरूर सोचना चाहिए कि हमें आज भी किसी न किसी मुल्क की जो है वो जरूरत है और स्पेशली सऊदी जो है वो हमारा साथी रहा है और साथी रहेगा। आज मैं बात की इलेक्ट्रोल रिफॉर्म की, देखिये मैं आज भी इलेक्ट्रोल रिफॉर्म के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ठीक है, अच्छी चीज है, दिन ब दिन बेहतरी हो रही है, मगर आज भी अगर इलेक्शन
के हवाले से मैं इलेक्टोरल रिफॉर्म का मेंबर नहीं था क्योंकि 34 मेंबर थे मगर एक भी अखिलेती मेंबर उसमें नहीं था, एक भी अखिलेती नहीं था, इस वजह से अखिलेतों को जो डिस्कस ही नहीं किया गया। मगर उस चौन मैं ये जरूर समझता हूँ कि अगर फ्री एंड फेयर चाहिए, आज आपने सेंसिस किया पार्ट के अंदर मगर उसके बाद भी सेंसिस के ऊपर कुछ न कुछ उंगलियां उठ गई है, मगर आप इलेक्ट्रल रिफॉर्म के बाद इलेक्शन अगर कराना चाहते हैं तो अगर पार्ट्स में इलेक्शन थी ठीक है और उसकी रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जैसे दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में होती है ठीक है और उसकी रिजल्ट अनाउंस नहीं करें वो अनलिस्ट बंदे उन लोगों के ऊपर से ठीक है। रमेश साहब मेरे पास चूंकि टाइम बहुत कम रह गया है तो ये सऊदी अरब फौज भेजने के मामले पे मैं इमरान साहब का जरा कमेंट लेना चाह रहा जी। नहीं एक और उसने जो बात की कमर दुमान कायरा साहब ने मीडिया के आसिफ साहब ने बात की, देखिए मीडिया ही है जिसमें नकीबुला का केस हो ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब मेरे पास वक्त चूंकि कम रह गया है इमरान इस्माइल साहब आप सऊदी अरब वाले मामले पे जरा कमेंट कर दीजिएगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इस तरह नहीं अपनी फौज भेजनी चाहिए, हमें तो ये बताएं कि क्या ये फौज अटैक्स में हिस्सा लेगी, क्या सीरिया यमन पे अगर सऊदी अरब जाता है अटैक करता है तो हम हिस्सा लेंगे, क्या ईरान के खिलाफ ये फौज इस्तेमाल होगी, अगर ऐसा है तो इतनी मोहब्बत सऊदी अरब से हमें नहीं है कि वो जो भी करे हम उसके साथ में अपनी फौज लगा देंगे जी। अब आप हर जंग में पाकिस्तान का कूदना जरूरी है। इमरान साहब यही वो सवालात हैं जिस पे पार्लियामेंट को भी तहफ्फुज़ात हैं। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, कमर जमान कायर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम, आई विल सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।